वेलकम बैक। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। एक ट्रिलियन में 10^12 होता है, मतलब 10^12 जीरोज होते हैं। एक ट्रिलियन में 10^12 होता है, एक ट्रिलियन का मतलब होता है 10^12। एक बिलियन का मतलब होता है, इसमें 3 को माइनस कर दो, 10^9। और एक मिलियन होता है 10^6। एक ट्रिलियन 10^12, एक बिलियन 10^9, एक मिलियन 10^6। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है, मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जानते हैं ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। फार्मूलाज ये रट लीजिए, इसके बहुत मायने हैं। आपको एग्ज़ाम में उतना समय नहीं होता कि आप इतना एक्सपैंड वैंड करो, आपका 5-7 मिनट चला जाएगा, क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। इसीलिए बेटर है कि थोड़ा सा एफर्ट डालिए और इसको फार्मूलाज को रट जाइए। बोल रहा हूँ बहुत काम का है, बहुत हेल्प मिलता है, टाइम बहुत सेव होता है आपका। अब स्क्वायर्स लेकर के टेन तक तो याद होगा सबको, है ना। इलेवन से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद कर लेना है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। तो इसको रट लीजिए। अधिकतर हम लोगों को 20 तक का याद होता है, लेकिन ये अगर आप याद रखते हो ना तो आपको कहीं पे दिख जाएगा तो आपका दिमाग क्लिक करेगा कि अच्छा ये है, इसका स्क्वायर है, ये है वो है, तो इसको याद कर लीजिए। फिर देखिए कन्वर्शन करना है हमें पी बाई क्यू फॉर्म में किसी भी रैशनल नंबर का। तो 2.46102 है ना, तो पहले जो नंबर है उसको पहले लिख दो, 2.46102 लिख दो, फिर माइनस जो छूट गया है उसको माइनस कर दो, और जिस पे ऊपर बार है उतना 9 लिख दो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 9 है तो 5 9 बैठा दो। फिर यहाँ पे जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा नंबर लिख दो, 1673206 लिख दिया, जो छूट गया उसको माइनस कर दो, और फिर जिस पे बार है उतना 9 लिख दो, जो बाकी छूट गया उस पे जीरो कर दो। सो 3206 4 9 है, और इधर कितने जीरो कितने छूट गए, 3 है, तो 3 जीरो डाल दो। फिर यहाँ पे 31.02641555555 ... तो इसका मतलब 31.02641 5 का डॉट होगा, मतलब 5 ही रिपीट कर रहा है। तो टोटल नंबर लिख दो, 3102641 5, ये पूरा लिख दिया, जो छूट गया उसको माइनस कर दो, 31026 इसको माइनस कर दो। एक पे रेकरिंग है तो 9 लिख दो, और बाकी सारे क्या हैं जो छूट गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 0 बैठा दो। फिर देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं। द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ इट्स थाउजेंड्स एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 रिस्पेक्टिवली। तो थाउजेंड्स वाला जो नंबर है उसको उठाओ और बाकी वाले नंबर से माइनस कर दो, अगर उसका डिफरेंस डिविजिबल है 7 से तो नंबर डिविजिबल होगा, अगर नहीं तो डिविजिबल नहीं है। तो जैसे यहाँ 473312 चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं, थाउजेंड्स प्लेस पे कौन सा नंबर है, 473 लिख लिया, बचा क्या रह गया 312, माइनस कर दो 312, आंसर क्या आ रहा है 161। अब 161 को डिवाइड करो 7 से, क्या डिविजिबल है, नहीं, रिमाइंडर आ जा रहा है कुछ, तो इसका मतलब ये सॉरी यह डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, तो 23 आ गया, कट जा रहा है पूरा, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। तो अगर ये कट जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। ट्विन प्राइम नंबर्स इसको बोलते हैं, कोई भी दो प्राइम नंबर जो कि डिफर करता है दो नंबर से, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 और 5 है, ये ट्विन प्राइम नंबर्स है, 5 और 7 है, ये ट्विन प्राइम नंबर्स है, क्यों, क्योंकि दोनों का जो गैप है वो 2 का है। को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, अगर जो दोनों का गैप है वो 1 का है
तो उसको को प्राइम बोलेंगे। जैसे 2 और 3 है, इसका ये को प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो कोई भी प्राइम नंबर्स है जिसका कोई भी और फैक्टर ना हो अदर देन 1 को छोड़ करके कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसे 3 और 5, ये भी क्या है, कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है ना, तो को प्राइम है। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो आप उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।